नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगिर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी हनुमानगढ़ से। EE 306 सब्जेक्ट कोड मशीन पार्ट सेकंड में आज हम बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर के बारे में। किसी भी अल्टरनेटर या किसी भी मशीन में ईएमएफ इक्वेशंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातों का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए हम चर्चा करते हैं इस विषय में। जानकारी प्राप्त करेंगे कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक चालक तार होता है। चालक तार मतलब तार का वह टुकड़ा या एक पीस ऑफ वायर जिसके अंदर से जो जिस शायद चालक तार के द्वारा करंट प्रवाहित हो सके, धारा का प्रवाह हो सके, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम टर्न या जिसे हम बोलते हैं फेरे। तो टर्न क्या होता है? दो कंडक्टर आपस में अगर जोड़ दिए जाएं, जैसे ये दो कंडक्टर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कंडक्टर को अगर आपस में जोड़ दिए जाएं, तो ये दोनों कंडक्टर आपस में मिलकर एक फेरा या एक टर्न का निर्माण करते हैं। ये है एक टर्न कहलाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक टर्न दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है। अगर हम ऐसे ही टर्न, ऐसे बहुत सारे फेरे बना दें, दो कंडक्टर है, एक टर्न बना होता है, ऐसे बहुत सारे हम टर्न्स बना लें, तो उसे उस पूरे को हम बोलते हैं कोयल, उसे हम एक कोयल बोलते हैं। और ऐसी ही अगर एक बहुत सारी कोयल, जैसे ये कोयल, ये कोयल, ये तीन कोयल्स हैं, इन तीनों को आपस में सीरीज में जोड़ दें, तो वह पूरा सेट हमें वाइंडिंग कहलाती है, हमारी वाइंडिंग कहलाती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि कंडक्टर एक चालक तार का टुकड़ा और दो कंडक्टर को आपस में जोड़ दिया, तो वह कहलाएगा एक टर्न। ऐसे बहुत सारे फेरे या बहुत सारे टर्न्स बना लिए, तो उसको बोलते हैं हम कोयल। और ऐसी बहुत सारी कोयल्स को अगर आपस में जोड़ दिया, तो वो हमारे पास होगी वाइंडिंग, उसे हम वाइंडिंग कहेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। ईएमएफ इक्वेशंस निकालने के लिए हमें कुछ टर्म्स का जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिसमें हम बात करेंगे फाई। हम जो फाई यहाँ पे लेंगे, उसको बोलते हैं फ्लक्स पर पोल। एक पोल में टोटल फ्लक्स कितना है उसकी बात करें, फ्लक्स पर पोल। अगर मान लो किसी मशीन में दो पोल हो, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 2 × φ। वैसे ही हम बात करें तो फाई फ्लक्स हमेशा, फाई क्या होता है? फ्लक्स पर पोल इन वेबर के अंदर। पी है हमारा नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल्स हैं यहाँ पे। एनएस है हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। और अगर हमें, अगर मान लो इसी को सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस में शो करना था, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो NS/16। एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हर्ट्ज के अंदर। जेड होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। जेड पीएच होती है हमारे पास कंडक्टर पर फेज। और TPH टर्न्स पर फेज, TPH होता है हमारे पास टर्न्स पर फेज। चलो आगे चलते हैं। मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसे एक स्लॉट के अंदर लगाया हुआ है, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड उस कंडक्टर के ऊपर, EMF इंड्यूस्ड की एवरेज वैल्यू क्या होती है? फेराडो के लॉ के अनुसार हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होती है d∅/dt। मान लो कि उस कंडक्टर ने एक पूरा कंप्लीट चक्र किया, मान लो कि उस कंडक्टर ने एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्र कंप्लीट किया, तब उस कंडक्टर पे एवरेज वैल्यू क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की? वो होगी फ्लक्स, उस कंडक्टर द्वारा एक चक्कर में कितना फ्लक्स काटा गया, बटे उस एक चक्कर में उसने कितना टाइम लिया, उसने कितना समय लिया, वो होता है हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है? पर पोल, फ्लक्स पर पोल। अगर मान लो किसी मशीन में दो पोल्स हो, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 2 × φ। और अगर मान लो मशीन के अंदर चार पोल्स हो, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 4 × φ। ऐसे ही अगर इस मशीन में हमारे पास पोल्स हैं पी, अगर नंबर ऑफ पोल्स पी हो, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा उस कंडक्टर द्वारा काटे एक चक्कर में? वो हो जाएगा p × φ। और उस कंडक्टर के द्वारा एक चक्कर में लिया समय क्या हो जाएगा?
60 बाई एनएस, एनएस होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो हमारे पास टाइम टेकन क्या हो जाएगा, वन रेवोल्यूशन टाइम टेकन हो जाएगा 60 बाई एनएस सेकेंड्स। फिर हम बात करते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, उस एक कंडक्टर पे वो हो जाएगा फ्लक्स कट इन वन रेवोल्यूशन, वो है टोटल फ्लक्स 5p, वो दोनों को वैल्यू को यहाँ रखा। फिर टाइम टेकन, टाइम टेकन हमारे पास एयर रेवोल्यूशन में कितना है 60 बाई एन एस, इस वैल्यू को यहाँ पे रखा तो हमारा एन एस ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5p एन एस अपॉन 60। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है हर्ट्ज में वो होती है पी एन एस अपॉन 120, या हम जिसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम, वो होती है हमारे पास 120 f/p। तो ये जो वैल्यू है हमारी एन एस 120 f/p, क्यों अगर हम यहाँ पे रखें 120 f/p को, तो ये हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी टोटली 2f π φ। तो ई एवरेज पर कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 2f φ, ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक कंडक्टर पे वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो एक टर्न्स में कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर्स, तो एक टोटल टर्न्स के अंदर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 और 5 दोनों जोड़े तो 10, मतलब 5 × 2 10। ऐसे ही हम बात करते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास पर कंडक्टर आया 2f π, तो टर्न्स पे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा 2 × कंडक्टर के ऊपर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो 2 × 2f π, वो हो जाएगा हमारे पास 4f π वोल्ट्स। ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न है। अब देखो कि अगर मान लो उस मशीन के अंदर एक टर्न तो होना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे टर्न्स होंगे, अगर उस मशीन में या उस अल्टरनेट में 5 टर्न्स हो, उस कॉइल के अंदर 5 टर्न हो, तो हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज क्या हो जाएगा 5 × 4f π। और अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न टी पी एच हो, पर फेज नंबर ऑफ टर्न हो हमारे पास टी पी एच, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज क्या हो जाएगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो हो जाएगा 4f π × TPH। टी पी एच हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। उसके बाद हम देखते हैं, हमें पता है कि किसी भी साइनोसोइडल वेव या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए हम आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, हम आरएमएस वैल्यू की आवश्यकता होती है, तो हमें आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्म फैक्टर, उस वेव का फॉर्म फैक्टर पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइनोसोइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारे पास, साइनोसोइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है उस वेव की आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, तो उस वेव की आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का रेशियो हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.11 साइनोसोइडल वेव के लिए। एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी भी एक साइनोसोइडल वेव होती है, तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू निकालने कैसे आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू बराबर 1.11 × एवरेज वैल्यू ई आरएमएस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएस क्या हो जाएगा, ई आर एम एस पर फेज इज इक्वल टू के एफ फॉर्म फैक्टर इंटू ई एवरेज पर फेज। और हमें ई एवरेज पर फेज क्या मिला था, ई एवरेज पर फेज हमने यहाँ से देखा वो है 4f π × TPH, तो ये वैल्यू को हम आर एम एस यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास ई आर एम एस इंड्यूस ई एम एफ आर एम एस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पर फेज 1.11 × 4f π TPH। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए बात करें, तो हमेशा वैल्यू आरएमएस ही होती है, तो हमें यहाँ पे नोटेशन आरएमएस योग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 4.44 × f π TPH वोल्ट्स, इन वोल्ट्स हो गया। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है पर फेज क्वांटिटी। अगर मान लो कि हमारे पास जो कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन है, तो हमारे पास लाइन इंड्यूस ईएमएफ की लाइन वोल्टेज में वैल्यू क्या आ जाएगी यही, और अगर स्टार कनेक्टेड हो तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइन इंड्यूस ईएमएफ वो हो जाएगा 4.44 f π TPH × √3, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज √3 × फेज वोल्टेज होता है।
तो हमारे इंड्यूस ईएमएफ की लाइन वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी वैल्यूज को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें वो क्या करना होगा, इस पूरी वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो वैल्यू आई है, ये टोटल वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी लाइन वोल्टेज की वैल्यू। धन्यवाद।